हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर सॉल्यूशन में। तो आज हम जानते हैं फ्रेंड, जो एसर का लैपटॉप है इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड, जैसे आप लैपटॉप में पावर को लगाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये लैपटॉप में जैसे हमने पावर लगाई और इसका पावर बटन ऑन किया फ्रेंड, तो आप ये देखेंगे फ्रेंड, इसमें जो लैपटॉप है जैसे ऑन होगा इसमें लोगो ओपन होगा, लैपटॉप जिस कंपनी का भी होगा, और उसके बाद सडनली बंद हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, ये आती है मोस्टली सभी लैपटॉपों में। ये प्रॉब्लम कॉमन है, जो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि जैसे आपने इसे ऑन किया थोड़ा सा डिस्प्ले आएगा और एकदम से सडनली ऑफ हो जाएगा का लैपटॉप। इस लैपटॉप की जो प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है और एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है फ्रेंड। मैं जो आपको ये दोनों ही सॉल्यूशन आपको बताऊंगा फ्रेंड। देख सकते हैं आप, जैसे ये कंप्यूटर आपने इसके लिए आप देख रहे हैं ना फ्रेंड, बार बार ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है। इसके लिए आपको फ्रेंड जो अपना टेम्परेरी सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको पहले लैपटॉप को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद आपको इसके जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को आपको बाहर करना है फ्रेंड। कीबोर्ड के पूरा आपको कनेक्शन और कीबोर्ड को निकाल लेना है। बहुत ही ध्यान से आपको कीबोर्ड को बाहर निकालना है फ्रेंड, कोई भी की टूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसको निकाल लेना है फ्रेंड। अब अपना जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है वो फ्रेंड ये है कि ये जो प्रॉब्लम आती है आपकी, वो आती है कीबोर्ड शॉर्ट होने के कारण फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड के कनेक्शन को यहाँ से निकाल देना है और बिना कीबोर्ड के आपको इसको ऑन करना है फ्रेंड, क्योंकि ये कीबोर्ड कभी कभी क्या होता है शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट के कारण ये लैपटॉप को ऑन नहीं होने देता है, इसकी की आपस में शॉर्ट होती हैं। तो ये तो हो गया सर टेम्परेरी सॉल्यूशन फ्रेंड। अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है फ्रेंड कि आप इसमें नया कीबोर्ड लगा लें, या फिर इसके कीबोर्ड को निकला रहने दें, या फिर इसका कनेक्शन नहीं करें और डायरेक्ट इसको आप लगा दें। बिना कनेक्शन के ही आपको यहाँ पर इस कीबोर्ड को लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन। और जो परमानेंट सॉल्यूशन है फ्रेंड, वो ये है कि आप इसमें नया कीबोर्ड लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको डायरेक्ट चालू करके दिखाया, ये आपका डिस्प्ले आ गया है बिना कीबोर्ड के फ्रेंड। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके कीबोर्ड के कनेक्शन को लगाना मत और वापस इसको फिट कर देना, और आप एक USB एक्सटर्नल कीबोर्ड से अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई फ्रेंड, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।